दादूपंथी छिगाना गंगाबाग राजगढ़ पर राजगढ़ के विभिन्न संस्थानों द्वारा नव निर्वाचित सरपंचों का नागरिक अभिनंदन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व पुलिस महानिदेशक राजपाल मीणा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत प्रकाश दास महाराज ने की। वही विशिष्ट अतिथि के तौर पर कस्टम कमिश्नर राम कृपाल मीणा थे। इस मौके पर नव निर्वाचित सरपंच सुदेव के जगदीश सिंह, कैप्टन की पुत्र वधु राजकुमारी, तिलवाड़ सरपंच सुगंध शर्मा, राजपुर बड़ा सरपंच अंजना शर्मा, ग्राम पंचायत नाडू सरपंच नरेंद्र गुर्जर, निमला सरपंच पिंकी मीणा, ग्राम पंचायत अलई सरपंच राजेश मीणा और बबलू का नागरिक अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि गांव में विकास दिखेगा और देश तरक्की करेगा। मतभेद भुलाकर सभी सरपंच विकास के कार्य में जुट जाएं और सभी सरपंचों को उन्होंने बधाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महंत प्रकाश दास महाराज ने कहा कि देश का राजनीतिक सफर ग्राम पंचायतों से शुरू होता है। यह विकास की पहली कड़ी है। गांव देश की आत्मा है। गांवों का विकास होगा तभी देश उन्नति करेगा। महंत ने कहा कि विजेता सरपंच बिना किसी मतभेद के विकास कार्यों में जुट जाएं, सभी जनादेश को स्वीकार करें। देखिए, हमारे देश का राजनीतिक सफर ग्राम पंचायतों से शुरू होता है। यह विकास की पहली कड़ी है। देश की आत्मा गांव में बसती है। गांव का विकास होगा, देश की उन्नति की ओर जाएगा। विजेता सरपंचों को बिना मतभेद के विकास करें, हारे हुए जनादेश स्वीकार करें। मैं सभी राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र, थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी सरपंच हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप विकास कार्य में जुट जाएं, गांव का सर्वांगीण विकास करें। गांव का विकास होगा, विकास होते ही देश की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा।